100 वर्षों में हम सभी को हमारे परिवारों और दोस्तों के साथ दफनाया जाएगा। हमारे घरों में अजनबी लोग रहेंगे जिन्हें बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, और आज हमारे पास जो कुछ भी है उसका मालिक कोई और होगा। हमारी अधिकांश संपत्ति या तो दे दी जाएगी या बाहर फेंक दी जाएगी और नष्ट कर दी जाएगी, जिसमें वह कार भी शामिल है जिस पर हमने बहुत पैसा खर्च किया था। हमारे वंशज शायद ही जानेंगे कि हम कौन हैं, नहीं वे हमें याद रखेंगे। मरने के बाद हमें कुछ और वर्षों तक याद किया जाएगा, और फिर हम किसी की दीवार पर बस एक चित्र बनकर रह जाएंगे। कुछ दशकों बाद हमारे इतिहास की तस्वीरें और कार्य इतिहास के विस्मृति में गायब हो जाते हैं, हम यादें भी नहीं रहेंगे। अगर हम इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए एक दिन रुकें, तो शायद हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए उन 95% चीजों के बारे में चिंता करना कितना व्यर्थ है जो हमारे दिमाग को रोजाना खाती है। यदि हम केवल इसके बारे में सोच सकें, तो निश्चित रूप से हमारे दृष्टिकोण और विचार बदल जाएंगे और हम चीजों को अलग तरीके से करेंगे। इन विचारों को अपने शेष दिन, इस सप्ताह, इस वर्ष में शामिल करें और कहावत को याद रखें।